एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद में आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद में उन्हें मुझे स्टोर भी करना पड़ता है, उसके बाद एडिटिंग करके आप सभी के साथ सामने लेकर के आती हूँ। तो वीडियो लैपटॉप लगभग 15 से 16 दिन बाद ठीक हुआ है मेरा, और फाइनली अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप सभी के लिए। तो आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी वो है लैक्मे की फॉरएवर लिक्विड मैट लिपस्टिक। और ये जो लिपस्टिक्स है, इसकी एक लिपस्टिक का जो शेड है वो रेड वाला, उसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पर लिंक देख पा रहे होंगे, तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं उस लिपस्टिक का रिव्यू। और मुझे उस लिपस्टिक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो इस वजह से मैंने 2 लिपस्टिक और परचेज़ की है, उसमें 2 शेड और लिए हैं। क्योंकि अभी नायका पर बहुत अच्छी सेल चल रही थी, तो उसमें मुझे वो कम ही प्राइस में मिल गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लिपस्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ वो है ये लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक, ये दोनों मैंने मंगवाई है। और ये थोड़ा सा शेड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं आपको जो भी होगा वो सारा वीडियो में मेंशन करूँगी। तो मैंने एक शेड मंगाया है, लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर है ये, मोव एस्टेसी शेड है ये। और उसके बाद में इसी का मैंने न्यूड पिंक शेड मंगवाया है। तो दोनों शेड्स को मैं लगा के दिखाऊंगी। और अभी राइट नाउ मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ है, और फ़ैन भी मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है फ़ैन की, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी ये जो स्किन आप मेरी देख सकते हैं ये मॉइस्चराइज है, उसके अलावा मैंने और कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं की है अपने पूरे फेस पर। और थोड़ा सा लिप बाम मैंने अप्लाई किया हुआ है, जिसको भी मैंने रिमूव कर दिया था, तो ये थोड़ा सा उसका टिंट है। और अभी मैं बिना मेकअप के आपको ये लिपस्टिक इसलिए लगा करके दिखाऊंगी क्योंकि होता ये है कि हर व्यक्ति रोज़ मेकअप नहीं कर पाता है या रोज़ रेडी नहीं हो पाता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लिपस्टिक लगा करके किस तरीके का नज़र आएगा और ये लिप शेड बिना मेकअप के कैसे नज़र आते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो पहले मैं आपको इसकी जो डिटेल्स हैं वो बता देती हूँ कि ये जो लिपस्टिक्स हैं ये ऑफ़र प्राइस में मैंने लिया था। वैसे तो इनका जो प्राइस है वो है 295 रुपीज़, क्योंकि मैंने इससे पहले जो इसी में से ही एक शेड लिया था, रेड, आई थिंक रेड कारपेट था वो, तो एग्जैक्टली जो भी नाम होगा वो स्क्रीन पर मैं आपको मेंशन कर दूंगी। 295 रुपीज़ में ये लिपस्टिक आती है, लेकिन मैंने इसको ऑफ़र प्राइस में लिया है तो 251 रुपीज़ में मुझे ये एक लिपस्टिक पड़ी है। तो दोनों लिपस्टिक्स काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आ गई है, ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना है। तो और सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने इसका जो पहले वाला जो शेड अपने लिए परचेज़ किया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, उसकी जो क्वालिटी है और उसका जो टेक्सचर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो इस वजह से मैंने फिर ये जो लिपस्टिक्स हैं ये परचेज़ की। और ये जो शेड्स हैं ये काफ़ी अच्छे और न्यूट्रल से शेड हैं, आप इसे किसी भी समय लगा करके जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको लगा करके दिखाती हूँ, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो शेड है न्यूड पिंक और बिना मेकअप के ही लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके इन शेड्स के बारे में। फिर उसके बाद में मैं आपको मेकअप अप्लाई करके भी इन्हें लगा करके मेकअप इसके बाद में मैं अप्लाई करूंगी, क्योंकि आपको पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ इस वीडियो में कि बिना मेकअप के ये जो लिपस्टिक है वो कैसी नज़र आती हैं। तो चलिए मैं ये जो न्यूड पिंक शेड है ये देख लीजिए आप, और अच्छी तरीके से पैक होकर के आती है ये लिपस्टिक। और इसका जो शेल्फ़ लाइफ है, अभी इसका जो लास्ट डेट है वो है अप्रैल 2024 तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और न्यूड पिंक इसका शेड है, और मैंने लगाई हुई है ये पहले भी, लेकिन मैंने इससे लगाया हुआ था। और सबसे पहले मैं हाथ पर आपको इसका एक स्वाइप करके दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं। शेड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अब चलिए इसको लिप्स पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं बिना मेकअप के ही इसलिए लगा के दिखाऊंगी ताकि आप सभी को पता चल जाए कि ये विदाउट मेकअप के लगाने पर कैसी लगती है।
आप देख सकते हैं शेड बहुत खूबसूरत है और लिप्स पर बहुत ही एक नेचुरल जैसा आपको अगर फील चाहिए तो आप इस शेड को डेफिनेटली परचेस कर लीजिए। और विदाउट मेकअप मैंने आपको इसको अप्लाई करके दिखाया है, तो आप इसे डे टाइम में या नाइट टाइम में कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एप्लीकेटर है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है लगाने में, और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी भी 5.6 ml है, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में आपको मिलती है। और स्पेशली इस शेड की मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत शेड मुझे लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है और बिल्कुल भी आपको हैवीनेस फील नहीं होगा इसको लगाने के बाद में। और ये थोड़ी देर के बाद में ही ड्राई होने लगेगा, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पास से भी दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो लिप शेड है ये बहुत खूबसूरत शेड है, और विदाउट मेकअप के आपको ये कैसा लग रहा है मेरे फेस पर। अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है या आप येलो अंडरटोन में हैं, आप इसको व्हाइटिश स्किन वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, सांवली है, तो वो इस तरीके के शेड बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये वाले जो शेड हैं वो थोड़ा सा उनके फेस पर नहीं सूट होंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और ये जो शेड है ये बहुत ज़्यादा कमाल का शेड है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और मैं इसे काफ़ी बार मैंने लगाया हुआ भी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। हम जब कुछ खाते पीते हैं तो ये मतलब स्टेइंग पावर मैं आपको बता देती हूँ, 5 से 6 घंटे तक ये अच्छे तरीके से स्टे करती है। उसके बाद जब हम कुछ खाते पीते हैं तो वो बीच से ही रिमूव होगी, बाकी साइड से इसको कुछ भी नहीं होने वाला है, तो काफ़ी घंटों तक ये स्टे भी करके रहती है और प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो चलिए अब मैं इसका दूसरा जो शेड है वो भी आपको लगा के दिखाती हूँ, तो चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं। अब रिमूव मैंने कर लिया है, उसके बाद में अब जो दूसरा शेड है वो है ये मॉव एस्टेसी, एंड ये जो शेड है ये भी लगभग न्यूड पिंक के जैसा ही लगता है मुझे, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ। एंड ये जो शेड है ये डार्क अंडरटोन वाले स्किन वाले भी लगा सकते हैं इसको, तो इसका भी एक बार मैं स्वाइप आपको, ये देख सकते हैं आप, दोनों शेड अलग हैं। और अब मैं इसको लिप्स पर लगा के दिखाऊंगी आपको। तो ये आप देख सकते हैं ये शेड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेड है इनको लगाने के बाद में आप विदाउट मेकअप के भी इनको लगा सकते हैं। आप अभी स्किन मेरी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा ब्राइट लुक आ रहा है स्किन का, और ये मेरी विदाउट मेकअप स्किन है। तो अभी मैं इसी के इस लिप शेड के साथ ही मैं आपको इस पर थोड़ा सा मेकअप लगा करके और फिर आपको दिखाती हूँ। और चलिए अब इस लिप शेड के साथ में थोड़ा सा मेकअप आपको लगा के दिखाती हूँ मैं। तो मेकअप में मैं सिर्फ कुछ नहीं करने वाली हूँ, आईब्रोज़ मैंने फिल की हुई है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया हुआ है, तो मैं बिल्कुल एक थोड़ा बहुत टचअप करके आपको दिखाऊंगी। ये बीबी क्रीम मैं ले रही हूँ पॉन्ड्स की, इसका भी रिव्यू आप चैनल पर जाकर के ज़रूर चेक करिए, बहुत अच्छा रिव्यू मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। तो ये जो बीबी क्रीम है इसको ले लेती हूँ मैं, एंड सीरियसली ये जो लिप शेड मैंने लगाया हुआ है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है,
मैं इसको लगा करके गई थी डे टाइम में कहीं पर प्रोग्राम में, तो वहाँ पर मुझसे बहुत सारी लेडीज़ ने, गर्ल्स ने पूछा था कि ये आपने लिप शेड कौन सा लगाया हुआ है। तो मैंने उनको बताया अभी था कि मैंने ये वाला लगाया है, और बहुत अच्छा सभी ने बताया। तो ये मैं बीबी क्रीम को अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ। कैमरा की स्क्रीन पर देख करके ही लगा रही हूँ मैं, ताकि आप सभी को अच्छे से पता चल सके कि मैं क्या कर रही हूँ। और जो भी लिपस्टिक का जो शेड है, आप लेने से पहले आपको हर तरीके से मैं इसको लगा के दिखाऊंगी, तो सारे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो सकें। बहुत से लोग लिपस्टिक लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे फेस पर पता नहीं ये जो शेड है वो सूट होगा या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करते हैं तो आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं, स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ जाकर के आप टेस्टर यूज़ कर सकते हैं, टेस्टर की मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन पर ये जो लिपस्टिक है ये सूट होगी या नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बीबी क्रीम लगा लिया है, उसके बाद में मैं लगाने वाली हूँ कॉम्पैक्ट, जिससे ये सेट हो जाएगा अच्छे से। और कॉम्पैक्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे 925 का प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन, ये आप देख सकते हैं। मैं तो इसे एज अ कॉम्पैक्ट ही लगाती हूँ, इसलिए मैंने इसको फाउंडेशन नहीं बोला है। थोड़ा सा मैटिफाइंग हो जाता है स्किन, और अभी क्या गर्मी आ गई है तो गर्मियों में थोड़ा सा शाइनी सा जो फेस होता है वो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, तो इस वजह से इसको मैं सेट कर रही हूँ, हल्का हल्का से ही सेट करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हल्का फुल्का मेकअप के साथ में मैंने ये लिप शेड आपको लगा के दिखाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा सा एक, अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पर जाना है, मार्केट में जाना है, या डे टाइम में आप रेडी होकर के रहना चाहते हैं, तो आप बस बीबी क्रीम लगाइए, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाइए, और इस तरीके का लिप शेड लगा करके आप जा सकते हैं। तो ये जो लिप शेड है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो पर्सनली दोनों लिप शेड इसके बहुत अच्छे लगे हैं। और अब बारी आती है वियर टेस्ट की, तो वियर टेस्ट ये बिल्कुल मैटिफाइंग हो गई है, ड्राई हो गया है बिल्कुल, लेकिन अब मैं इसका वियर टेस्ट आपको करके दिखाऊँ, इसका वियर टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। देख सकते हैं आप, और बहुत कमाल की, बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रही है लिप्स को। आप अपने लिप्स को अच्छे तरीके से पहले मॉइस्चराइज़ कर लीजिए, लिप बाम लगा लीजिए, उसके बाद लिप बाम को हल्का सा रिमूव कर लीजिए टिश्यू से, उसके बाद में आप ये लिपस्टिक लगाएंगे तो आपके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। और मैं इसी तरीके से लगाती हूँ और मेरे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं, और ये जो लिप शेड है ये बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। तो ये दोनों जो शेड है ये बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। ये जो शेड है ये सभी तरह की स्किन टोन पर सूट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला भी सूट हो जाएगा। अगर आप मेकअप लगा करके इसे करेंगे तो डार्क स्किन टोन पर भी ये अच्छे तरीके से चला जाएगा। तो ये जो लिपस्टिक है ये वर्थ बाइंग है, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक मुझे लगी है पर्सनली। इनका जो प्राइस कम हो गया था, कम प्राइस में मुझे ये मिल गई है, तो अगर आप भी आपको भी कम प्राइस में अभी अवेलेबल हो जाए तो आप डेफिनेटली इन लिपस्टिक के साथ में जा सकते हैं। और राइट नाउ आप मेरा जो ये
लुक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, काफ़ी नेचुरल सा लुक लग रहा है और ये लिप शेड तो मुझे बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो आप तो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है इन लिपस्टिक्स की, तो आप डेफिनेटली इन्हें खरीद सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो ऑनेस्ट रिव्यू है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, एंड चेतनास लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।